भारत में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जुट गई। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हुबली जिले में नेहा हिरेमत मर्डर केस का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में कांग्रेस पार्टी जिस सोच को बढ़ावा दे रही है वो काफी खतरनाक है। हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर बम धमाके हो रहे हैं, जो लोग भजन कीर्तन सुन रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। ये साधारण घटनाएं नहीं है। इसलिए मैं बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों से अपील करता हूं कि आपको कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए। साथियों, यहां कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटक के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। अब पीएम के इस बयान का कई स्थानीय मुसलमान संगठनों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि उनके इस घटना का जिक्र और बयान से राज्य में लव जिहाद को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को और बल भी मिल सकता है। दरअसल 18 अप्रैल 2024 को फयाज खुंडू नाइक ने कर्नाटक के हुबली जिले में स्थित वीवीवी कॉलेज में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा हिरेमत की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हमले के बाद कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने किसी तरह नेहा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौका है वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर के आईएमएस अस्पताल पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी। नेहा इस कॉलेज में एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और फयाज नेहा का पूर्व क्लासमेट था। फिलहाल इस मामले में फयाज को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के दौरान पता चला है कि फयाज और नेहा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। फयाज ने पुलिस को बताया था कि पिछले कुछ दिनों से नेहा अचानक उससे दूर रहने लगी थी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इस पूरी घटना को लेकर हुबली धारवाड़ की पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमारे पास FIR दर्ज कराने के 1 घंटे के भीतर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं बेटी की हत्या से दुखी पिता निरंजन हिरेमत इस पूरी घटना को लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। उनका दावा है कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी और नेहा को धमकी भी दी जा रही थी। अरेस्ट किया तो कानून के हिसाब से जो आएगा वो सेक्शन लगा के उसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है, कोई जमानत नहीं देना है, कोई वकील वकालत नहीं डालना है। ये मेरा मांग है और मेरा डिमांड है और मेरा आत्मा से बोल रहा हूँ, मेरा समाज से बोल रहा हूँ। कोई भी अगर उसको जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं डालना वकील साहब, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ बार एसोसिएशन के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए कोई आगे मत आना। अपने धारवाड़ जिला जो अपना वकील संघ का अध्यक्ष है उनको भी मैं डिमांड करता हूँ, सारे पदाधिकारियों को डिमांड करता हूँ कि कोई भी इस चीज में उनको बेल एप्लीकेशन डालना नहीं है, केस लाना नहीं है, वो अंदर ही रहना है, अंदर ही उधर ही रह के उधर ही मर जाना है, ऐसा उसको छोड़ना है। उसके बाद जो सेक्शन लगी है ट्रायल कोर्ट में लगने दो, चार्जशीट होने के बाद उसको जो सेक्शन है ना वो सारे जितने भी है उसको फांसी पे चढ़ाने तक हम छुप नहीं बैठेंगे और उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे बेटी को, इतना प्यारी बेटी को उसने हत्या किया है, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ न्यायालय के लिए और अपना बार एसोसिएशन के लिए और पुलिस इलाके के लिए ऐसे सेक्शन डालो, लव जिहाद कोई भी आदमी ऐसे डिमांड करके रिफ्यूज किया तो उसको मर्डर करने का इरादा करने वाले को बिल्कुल उनको बाहर रखना। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस हत्या को लव जिहाद का नाम देने के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि यह हत्या निजी कारणों से की गई है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। इस हत्याकांड के बाद बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बहरहाल लगातार होती सियासत के बाद बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि मासूम नेहा का कसूर क्या था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली। ऐसे में इस मामले में अब अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा।
टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।